हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी एक क्यूट से पपीज के ग्रुप के बारे में है जो इंसानों की मुसीबत के वक्त मदद करते हैं। ये सब अलग अलग खूबियों में माहिर हैं, जैसे कोई पायलट है, कोई फायर फाइटर तो कोई पुलिस। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी शुरू होती है एडवेंचर बे नाम की जगह से, जहां हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं। रोड पे झटका लगने से उसकी ड्रिंक उस पर गिर जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। तभी वो देखता है कि सामने एक छोटा सा कछुआ रोड क्रॉस कर रहा है और उसे बचाने के चक्कर में उसका ट्रक क्रैश हो जाता है। वो ट्रक के साथ एक ब्रिज पर लटक जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसे नीचे से जाती एक बोट दिखाई देती है और वो उसे पुलिस और फायर फाइटर्स को बुलाने को कहता है। तब बोट का मालिक उसे बताता है कि उसकी मदद सिर्फ पॉ पेट्रोल ही कर सकता है, क्योंकि वो ही यहाँ के रक्षक है। पॉ पेट्रोल असल में 6 छोटे पपीज का एक ग्रुप है जो शहर पर आने वाली मुसीबतों का सामना करते हैं, और इनका लीडर एक राइडर नाम का लड़का है। इन सब के पास अपने खुद की गाड़ियां हैं और ये लोग अपने प्रोफेशन के हिसाब से ड्रेस पहनते हैं। थोड़ी ही देर में राइडर अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और रोड को ब्लॉक कर देता है। एक चीज नाम का पपी जो कि पुलिस की ड्रेस पहनता है, उस ट्रक ड्राइवर को सही सलामत बचाकर ऊपर ले आता है। उसके बाद वो उस छोटे कछुए को उसकी फैमिली के पास छोड़ देता है। यहां से सीन शिफ्ट होकर पास ही के शहर एडवेंचर सिटी में आता है, जहां हम एक लिबर्टी नाम की पपी को देखते हैं। इसे अपने शहर से बहुत प्यार है और उसका सपना है कि ये भी एक दिन पॉ पेट्रोल का हिस्सा बन सके। यही पता चलता है कि हाल ही में हुए इलेक्शन में हमडिंगर नाम का शैतान आदमी धोखे से यहाँ का मेयर बन गया है। उसे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है और वो पॉ पेट्रोल को अपना दुश्मन समझता है। लिबर्टी को पता है कि हमडिंगर इस सिटी को बर्बाद कर देगा और इसीलिए वो मदद के लिए पॉ पेट्रोल की इमरजेंसी लाइन पर फोन करती है। वो उन्हें बताती है कि कैसे एडवेंचर सिटी खतरे में है और उनसे वहाँ आकर हमडिंगर को रोकने को कहती है। पॉ पेट्रोल, जो हमडिंगर को अच्छे से जानते थे, उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन चेज उनके साथ एडवेंचर सिटी जाने से मना कर देता है। और तब राइडर सबको बताता है कि कैसे वो वहीं पैदा हुआ था। जब वो बहुत छोटा था तो उसकी फैमिली ने उसे सड़क पर अकेला छोड़ दिया था और उसे वहाँ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आगे राइडर चेज से बात करता है और समझाता है कि यही टाइम है उस शहर को दिखाने का कि अब वो एक हीरो बन गया है। उसकी बातें सुनकर चेज अपना इरादा बदल लेता है और उनके साथ आने को तैयार हो जाता है। वो लोग अपना सामान पैक करके एडवेंचर सिटी की ओर निकल पड़ते हैं और शाम होते होते वहाँ पहुँच जाते हैं। राइडर सबको उनका नया हेडक्वार्टर दिखाता है जो एक बहुत ही बड़ी और आलीशान बिल्डिंग में है। वहाँ वो देखते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से हाईटेक है और यहाँ उनके खाने के लिए एक नया डिस्पेंसर भी लगा हुआ है। सभी पपीज इस नए हेडक्वार्टर को देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। इधर मेयर सिटी में बनी वेदर लैब में जाता है और वहाँ की इंचार्ज केंड्रा से उसके नए आविष्कार के बारे में पूछता है। केंड्रा उसे बताती है कि ये नई मशीन आसमान से बादलों को पकड़ सकती है ताकि वो लोग उन्हें लैब में लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। मेयर उसे बताता है कि आज शाम उसकी जीत की खुशी में वो काफी सारे फायरवर्क्स छोड़ना चाहता है, लेकिन बारिश उसका प्लान खराब कर रही है। वो केंड्रा को उसकी मशीन से सभी बादलों को कैद करने को कहता है, वरना वो उसकी लैब का लाइसेंस कैंसिल कर देगा। ना चाहते हुए भी केंड्रा को उसकी बातें माननी पड़ती है और उसकी मशीन बादलों को पकड़ना शुरू कर देती है, जिससे वहाँ बारिश रुककर धूप आ जाती है। हमडिंगर अपने फायरवर्क्स ऑन करता है, लेकिन जल्द ही वो बेकाबू हो जाते हैं। लोग भी उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ हेडक्वार्टर में राइडर को इस प्रॉब्लम का पता चल जाता है और वो अपने साथियों के साथ वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है। वो लोग अपनी गाड़ियों से उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि रास्ते में बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। तभी वहाँ लिबर्टी आती है और उनको रास्ता दिखाते हुए जल्दी ही फायरवर्क्स वाली जगह ले जाती है। हमडिंगर उन्हें देखता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। राइडर अपने साथियों के साथ मिलकर उन फायरवर्क्स को कंट्रोल करता है और वहाँ लगी आग बुझाता है। तभी चेस देखता है कि बालकनी में कुछ लोग फंसे हुए हैं। वो अकेला ही उनकी मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन जल्दी जल्दी में अपना पैराशूट नहीं हटा पाता और तेज हवा के कारण एक बिल्डिंग से उल्टा लटक जाता है। मार्शल तुरंत अपने फायर ट्रक की हेल्प से उसे और फंसे हुए लोगों को बचा लेता है। सारा शहर पॉ पेट्रोल की बहादुरी की तारीफ करता है और उन्हें हीरो बना देता है। चेज अपने काम से खुश नहीं होता और वो मीडिया के सामने जाने से मना कर देता है। हमडिंगर पॉ पेट्रोल की कामयाबी से जलता है और अपने बॉडीगार्ड्स को किसी भी तरह उन्हें यहाँ से भगाने को कहता है। कुछ दिनों बाद हम एक बार फिर मेयर को देखते हैं, जिसने इस बार सबवे ट्रेन के ट्रैक को चेंज करके एक रोलर कोस्टर में बदल दिया है। वो कहता है कि इस तरह वो एडवेंचर सिटी में असली एडवेंचर को लाना चाहता है ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। हर बार की तरह इस बार फिर उसका प्लान फेल हो
जाता है और ट्रैक्स टूटने के कारण ट्रेन उन ट्रैक्स पर अटक जाती है। उल्टे लटके हुए लोग पाव पेट्रोल को मदद के लिए बुलाते हैं और वो लोग जल्दी ही उस जगह आ पहुंचते हैं। लिबर्टी भी वहां आती है और कहती है कि वो उनकी मदद करना चाहती है ताकि वो भी एक मेंबर की तरह फील कर सके। वो देखते हैं कि ट्रैक का बेस टूटने लगा है। रोकी अपने ट्रक से जमीन पर बने बेस को और स्काई अपने हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रैक्स को गिरने से रोकते हैं। रबल अपने सीमेंट ट्रक से बेस को एक बार फिर सिक्योर बना देता है। अब चेस की बारी थी जो भागकर पास वाली एक ऊंची बिल्डिंग पर जाता है और अपनी जिप लाइन को ट्रेन से अटैच करता है, लेकिन अचानक ही वो फ्रीज हो जाता है और ऊंचाई से डर कर एक कोने में बैठ जाता है। राइडर तुरंत मार्शल को लोगों को बचाने को बोलता है और वो अपने फायर ट्रक की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित ट्रेन से बाहर निकाल लेता है। स्काई चेस को बिल्डिंग से नीचे उतार कर लाती है जहां राइडर उसे कहता है कि शायद उसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। इस बात से नाराज होकर चेस उन सबको छोड़कर वहां से चला जाता है। राइडर और बाकी पपीज उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें बस चेस का टैग मिलता है और तभी लिबर्टी वहां आकर उसे ढूंढने में उनकी मदद करती है। इधर पता चलता है कि चेस को अकेला पाकर मेयर के बॉडी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया है। वो लोग उसे एक बिल्डिंग में बंद कर देते हैं और वो देखता है कि वहां उसके जैसे और भी कई सारे डॉगीज हैं। एक डॉगी उसे बताता है कि ये एक तरह की जेल है जहां हमडिंगर पकड़े हुए डॉगीज को कैद करके रखता है। ये सुनकर चेस को अपने दोस्तों की याद आती है और वो उदास हो जाता है। इधर लिबर्टी राइडर को लेकर अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और वहां उन्हें पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में शहर से काफी सारे डॉगीज गायब हो गए हैं। राइडर समझ जाता है कि ये हमडिंगर का ही काम है क्योंकि उसे डॉगीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी लिबर्टी को एक आइडिया आता है जिसमें वो खुद को जानबूझकर कैद कराएगी ताकि उसका पीछा करते हुए पॉ पेट्रोल को चेज और बाकी डॉगीज की लोकेशन का पता चल सके। वो इंटरव्यू देते हमडिंगर को परेशान करने लगती है और उनके प्लान के हिसाब से मेयर के लोग उसे पकड़ के उसी जेल में ले आते हैं जहां चेस को रखा हुआ है। चेस उसे देखकर बोलता है कि उसे यहां नहीं आना चाहिए था। तभी वो देखता है कि लिबर्टी पूरे बैकअप के साथ आई है। राइडर और बाकी पपीज जल्द ही वहां कैद सभी डॉगीज को फ्री करा लेते हैं और वापस अपने हेडक्वार्टर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में राइडर चेस को वही जगह दिखाता है जहां से उसे वो मिला था। वो उसे बताता है कि कैसे बचपन में वो बड़ी बहादुरी से अकेला ही लोगों का सामना कर रहा था और अभी भी उसमें वही हीरो वाली बात है। वो उसे वापस काम पर आने को कहता है और चेस तैयार हो जाता है। इधर केंड्रा मेयर को वार्न करती है कि एक हफ्ते से कंटिन्यू चल रहे क्लाउड कैचर को नीचे लाना होगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेयर उसकी एक नहीं सुनता और क्लाउड कैचर के रिमोट को तोड़ देता है। केंड्रा पब्लिक को भी वार्न करने की कोशिश करती है लेकिन मेयर उसे वहां से भगा देता है। वो वहां सबको अपनी बनाई नई बिल्डिंग दिखाता है जिसे वो हमडिगर हाइट्स का नाम देता है। वो कहता है कि ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इसके टॉप पर उसने अपना ऑफिस बनाया है ताकि वो पूरे शहर पर नजर रख सके। तभी आसमान में क्लाउड कैचर टूटने लगता है और एक हफ्ते से कैद सारे बादल आजाद हो जाते हैं। आसमान में हर तरफ काले बादल छाने लगते हैं और वहाँ तेज हवाएं और बिजली कड़कने लगती है। केंड्रा पॉ पेट्रोल को फोन करके उन्हें इस तूफान के बारे में बताती है जिसे अगर नहीं रोका गया तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। वो सब लोग अपने अपने व्हीकल्स में निकल पड़ते हैं और तब वहाँ राइडर ऑफिशियली लिबर्टी को पॉ पेट्रोल का मेंबर बना देता है। वो उसे एक नई ड्रेस और उसका अपना व्हीकल देता है। यह देखकर लिबर्टी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका बरसों का सपना पूरा हो गया था। राइडर स्काई को जल्दी से क्लाउड कैचर तक जाकर उसे नीचे लाने को कहता है और जूमा और लिबर्टी भी एक डूबती हुई कार से लोगों को बचाते हैं। राइडर को पता लगता है कि हमडिगर अभी भी अपने ऑफिस में ही है और वो उसे बचाने ऊपर जाता है। वो उसे एक लिफ्ट में डालकर नीचे भेज देता है लेकिन इससे पहले कि वो खुद वहां से निकल पाए वो बिल्डिंग टूटने लगती है और वो वहीं फंस जाता है। चेस राइडर को बचाने अपनी स्पेशल बाइक से ऊपर जाता है लेकिन उसका ग्रैपलिंग हुक टूट जाता है। उसे ऊंचाई से डर लगता है लेकिन तभी उसे राइडर की बात याद आती है कि वो एक बहादुर पपी है। वो बिना हुक के जंप लगाता है और राइडर तक पहुँच कर उसे बचा लेता है। इधर स्काई क्लाउड कैचर को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। तब वो अपने प्लेन को उससे क्रैश करा देती है और खुद इजेक्ट कर जाती है। क्लाउड कैचर के नष्ट होते ही काले बादल हट जाते हैं और आसमान एकदम साफ हो जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन मेयर वहां से बचकर भागने लगता है। स्काई अपने ड्रोन की मदद से उसे पकड़ लेती है और उसे मेयर के पद से हटा दिया जाता है। पूरा शहर मिलकर पाव पेट्रोल का सम्मान करता है और उन्हें एडवेंचर सिटी की एक गोल्डन चाबी देते हैं। राइडर भी सबके सामने लिबर्टी को उसका टैग देता है जिससे वो एक ऑफिशियली मेंबर बन जाती है। एंड सीन में उन्हें मेयर की जेल से छुड़ाए एक डॉग का फोन आता है और वो लोग
उसकी मदद को निकल जाते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।